मुझे लगता है ये मुल्क इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे साफ सफाई काफ़ी है, यहाँ पे काफ़ी लोग टूरिस्ट लोग आते हैं, इसको देखने का मज़ा ही कुछ है। कैसीनो है, तो अगर आप लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हो तो प्लीज़ कैसीनो मत जाना, नहीं तो आप लोग रोते रोते जाओगे। और काफ़ी लोगों ने ऐसे देखा हूँ जो रोते रोते गए। छाता देख रहा हूँ ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। क्रिसमस आ गया, लाल कलर का देखने को मिलेगा आपको। सही टाइम पर आया हूँ, मेट्रो मिल जाएगा क्योंकि मेट्रो अभी अभी आया है। ये जो है ना, मुझे लगता है बाकी लोग को लगता है कि नहीं लगता है, ऐसे तो मॉरीशस काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो मुझे लगता है ये मॉरीशस का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे साफ सफाई काफ़ी है और यहाँ पे काफ़ी लोग टूरिस्ट लोग आते हैं, इसको देखने का मज़ा ही कुछ है। इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, इस साइड से ज़्यादा अच्छा उस साइड में है जो जहाँ पर छाता लगा हुआ है, वहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देख के। सैटरडे को आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा काफ़ी, मतलब नॉर्मल दिन में आओगे तो मतलब उतना अच्छा नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको कुछ। सैटरडे को ज़्यादा छुट्टी रहता है ना, तो सभी लोग आता है। देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप लोग को टूरिस्ट लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन काफ़ी लोग मतलब मॉरीशस लोग जो ना काम करता है तो काफ़ी लोग आता ही नहीं है। इस साइड जो है ना, मतलब कुछ डैमेज हो गया था इसलिए बंद था, तो मैं अभी देख रहा हूँ खुल गया, इसलिए नया नया पेंट किया हुआ है। और ये जो देख रहे हो ना, एक कैसीनो है, तो अगर आप लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हो तो प्लीज़ कैसीनो मत जाना, नहीं तो आप लोग रोते रोते जाओगे। और काफ़ी लोगों को मैं ऐसे देखा हूँ जो रोते रोते गया है, प्लीज़ कैसीनो से बचना, कैसीनो मत जाना मैं अगर काम करने आ रहे तो। ये जगह जो है ना, आप लोग काफ़ी टिकटॉक में देखे होंगे और काफ़ी फेसबुक में देखे होंगे, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसा है इसीलिए। और मैं जिसकी बात कर रहा था ना, वो पीछे जो छाता लगा हुआ है वहाँ पे, मैं उसकी बात कर रहा था। और यहाँ पे जो है ना, एक कैसीनो है पीछे, आप मिस्टर फेजू को जानते हो जो टिकटॉक स्टार है, इसी जगह पे शूटिंग किया था गाने का, आपने देखा होगा मॉरीशस में एक बार आया था वो शूटिंग करने के लिए। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा मूवी का शूटिंग हुआ है, काफ़ी मूवी का शूटिंग हुआ है यहाँ पे। बिच्छू मूवी का शूटिंग हुआ है, मुझसे सादे करोगे का शूटिंग हुआ है, सहजादा मूवी का शूटिंग हुआ है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ का जो सॉन्ग आता है ना, तो वहाँ का भी शूटिंग हुआ, काफ़ी मूवी का यहाँ पे शूटिंग हुआ है। जब मैं छोटा था ना, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये सब जगह कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मैं गाना देखा ना, तभी तो मैं समझता नहीं था, जब मैं गाना देखा तो ये सब जगह को देखा ना, तो मैं मतलब मिलाया तो सब यही जगह का शूटिंग किया था। और क्रिसमस में आओगे ना तो आपको ये काफ़ी खूबसूरत जगह लगेगा। और ये जो आप छाता देख रहे हो ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। क्रिसमस आ गया तो लाल कलर का देखने के लिए मिलेगा आपको। भाई यार, लाठी में क्या प्रेम को भरा हुआ है, इतना भरा मैं कभी देखा नहीं। और वो जो है ना, यहाँ का है ही नहीं, बाहर कंट्री का है। शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को जब ही सभी आता है। और आप लोग ने वो जो आप देख रहे हो ना, ऊँचा ऊँचा मतलब बना हुआ पाइप जैसा, ये जगह आप देख के पहचान गए होंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा मूवी का शूटिंग हुआ है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा मूवी देखता है वो लोग को मालूम होगा। इसी जगह पर ना बिच्छू मूवी का भी शूटिंग हुआ है, वो भी दल यहीं पर खड़ा रहता है, और रानी मुखर्जी यहाँ पर जो डांसिंग का मतलब गाना होता है वो गाना करता है, तो उस साइड में भी शूटिंग हुआ है, ऐसे नहीं है। और ये जगह ना काफ़ी खूबसूरत है, यही है वो जगह जहाँ पे सहजादा मूवी का शूटिंग हुआ था। ये जो है ना प्राइवेट है,
और इसी जगह पे हुआ था अक्षय कुमार और सलमान खान का जो शूटिंग है ना, उसी जगह पे हुआ था। ये प्राइवेट है और यहाँ से दो क्या आता है कार्तिक आर्यन, और यहाँ पे एक्शन जो फाइटिंग सीन है वो यहीं पे है। और इसी जगह पे मुझसे शादी का भी शूटिंग हुआ था, वो जो अक्षय कुमार भागता है सलमान खान उसके पीछे भागता है, उसी जगह का शूटिंग भी इसी जगह पे हुआ था। और आप लोगों ने देख के पहचान लिया होगा, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं देखा होगा तो लास्ट में जाकर देख सकते हो, मेरा वीडियो छोड़ के मत जाओ। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है भाई, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मैं हमेशा जब भी टाइम मिलता है मैं इसी जगह पर आता हूँ। ऐसे तो काफ़ी घूमने का जगह, अगर मैं घूमने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में जल्दी चला जाता हूँ। वीडियो भी ऐसे काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो फिर कभी आऊँगा, फिर कभी दिखाऊँगा। जब भी आता हूँ हमेशा वीडियो नहीं बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, जब लगता है कि आप लोग को दिखाना चाहिए तभी मैं बनाता हूँ। ऐसे ही बहुत सा काम के लिए आता हूँ, लेकिन जब काम होता है तो समझ में नहीं आता किस तरह से वीडियो बनाऊँ, इसीलिए आज मैं खास करके वीडियो बनाने आया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन और दीपिका पाटीकोन और सलमान खान का इमेज लगा हुआ है वहाँ पे। और आप लोगों को बता देता हूँ, जो हम मूवी है ना, हम मूवी जो पोर्ट में शूटिंग हुआ था, लास्ट वाला सीन जहाँ पे डैनी होता है और अनु फेंकर होता है, मतलब बहुत सारे एक्टर होता है, रजनीकांत भी है, गोविंदा भी है, वो पोर्ट का जो सीन हुआ था लास्ट में ना, तो उस साइड में हुआ था, वो पोर्ट जो देख रहे हो ना उस साइड में हुआ था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो लास्ट में जाकर पास करके देख लेना, और मुझे बोलना कि हाँ सही बता रहा हूँ मैं। ये दोनों भाई इंडियन हैं और हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं साइड में। और एक बार आप लोग ने देखा होगा कि बहुत पहले घूमने गए थे तो भैया को देखा होगा। चलो भैया हाँ हाँ चलते चलते हैं हैं, भाई। भैया लोग शायद अभी अभी आए हैं, मैं काफ़ी टाइम से घूम रहा हूँ तो अभी मैं जाने वाला हूँ। ऐसे तो बहुत घूमने का जगह है यहाँ पे, काफ़ी मतलब अच्छा जगह है भाई, इस जगह पे आना जरूर। और एक भैया ने मुझे कमेंट भी किया था कि भैया वो जगह दिखाओ, अगर भैया आप देख रहे हो तो प्लीज कमेंट कर देना। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है, कोई कुछ आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडली है और यहाँ पे काफी टूरिस्ट लोग आता है ना, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। एक मॉल है भाई, यहाँ पे सब कुछ महंगा है मॉल, ये देख सकते हो, पहले था नहीं, अभी नया नया लगा है भाई, सब अपना नाम लिख के, लवर का नाम लिख के ताला मार दे रहा है। ये पहले मैं कभी नहीं देखा, अभी जो चालू हुआ ना ये नया, तब ये देखा, मतलब ये बंद था पहले। अभी जिस ब्रिज में खड़ा हूँ, इसी ब्रिज में कभी रानी मुखर्जी डांस किया, मतलब डांस किया था, अभी मैं उसी जगह पे हूँ। कौन सा गाना में डांस किया तो भी बता देता हूँ, आप बिच्छू मूवी में जाके देखना, इसी ब्रिज का वो डांसिंग शूटिंग किया इसी जगह का, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलो भैया काफ़ी घूम लिया और आप लोग को भी दिखा दिया, और टाइम हो गया जाने का, अभी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो हो रहा है ना अभी 1:30 बज रहा है, शायद मैं 10 बजे आया था तो 2-2.5 घंटा हो गया और मुझे अभी जाना चाहिए। तो आप लोगों को भी दिखा दिया, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अभी मैं चलता हूँ और जाऊँगा, अभी मेट्रो लूँगा, मेट्रो से फिर अपना हॉस्टल जाऊँगा। अभी जो है ना मैं जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लूँगा, उसके बाद रोजिल जाऊँगा, वहाँ से फिर टैक्सी लेकर अपना हॉस्टल जाऊँगा। और यहाँ पे जो है ना हिंदी मूवी भी लगता है, और मैं पठान मूवी जो देखा था ना इसी सिनेमा थिएटर में देखा था, तो यहाँ पे हिंदी मूवी भी लगता है, हॉलीवुड में मूवी भी लगता है, हर फ्रेंच मूवी भी लगता है। यहाँ पे काफ़ी लोग हिंदी समझता है, फ्रेंच बोलता है, और इंग्लिश तो आप समझ सकते हो, काफ़ी सभी कोई बोलता है यहाँ पे। आपको
आज जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है और ना ही बारिश हुआ है, तो अच्छा से घूम लिया मैं, आप लोग को भी दिखा दिया। सही टाइम पर आया हूँ, मेट्रो मिल जाएगा क्योंकि मेट्रो अभी अभी आया है। काफ़ी लंबा लाइन लगा टिकट लेने के लिए यार, क्योंकि ये पहला मतलब यहीं से शुरू होता है ना मेट्रो, इसीलिए यहीं पे ज़्यादा लंबा लाइन लगा। अगर टिकट मिल जाता है सही टाइम पे तो मेट्रो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मुझे फिर वेट करना पड़ेगा। प्लीज़ हेल्प, आई डोंट नो रोजिल। टिकट तो मिल गया है और मुझे आता है, लेकिन उसको मैं बोलता हूँ हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप लोग भी अगर नहीं आता तो आप बोल सकते हो हेल्प कर देगा आपका। सही टाइम पे मुझे टिकट मिल गया, नहीं तो मैं छूट जाता और मुझे ज़्यादा लेट हो जाता फिर, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट बाद मेट्रो आता रहता है। तो अभी मुझे सीट भी मिल गया और यहाँ से मैं तो पूरा खाली है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है मेट्रो, तो मुझे सीट मिल गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ रोजिल, और रोजिल से जाऊँगा अपना टैक्सी पकड़ के हॉस्टल। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।